बढ़ते आगे, वाराणसी में नव संघ काली माता जी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया और इस मौके पर पुलिस कमिश्नर वाराणसी भी मौजूद रहे। प्रतिमा के विसर्जन के दौरान जुलूस निकाला गया। जुलूस में कई थानों की फोर्स के साथ साथ पीएससी क्यूआरटी की कई टीमें लगी रही, महिला पुलिस बल भी लगाया गया। विदेशी पर्यटकों को लेकर 2.5 साल बाद वाराणसी स्टेशन पहुंची महाराजा एक्सप्रेस में 31 विदेशी पर्यटक सवार थे। ये ट्रेन 23 अक्टूबर को दिल्ली से चलकर जयपुर, ओरछा और खजुराहो होते हुए बनारस स्टेशन पहुंची। पर्यटकों का स्वागत बनारसी अंदाज में ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। 2.5 साल के बाद टूरिस्ट का मूवमेंट हुआ है, ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है और हम चाहते हैं कि बनारस का कल्चर और यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और समझें, हमारे टूरिज्म को प्रमोट करें। महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन है जो दुनिया की इंडिया की सबसे लग्जरी ट्रेन है ये मानी जाती है और ये लोग दिल्ली से चल के बनारस तक की यात्रा करते हैं। 7 दिन की इनकी यात्रा होती है जिसमें ये दिल्ली, जयपुर, आगरा, ओरछा, खजुराहो और बनारस की यात्रा करते हैं। कितने लोग इसमें ये पर्यटक अभी टोटल के टोटल इसमें फॉरेन टूरिस्ट हैं और 31 लोगों को लेकर ये ट्रेन ट्रेवल करती है। मैक्सिमम इसकी संख्या 65 से 70 लोगों तक होती है।